सूरा मेरे मज पम्मा डठन बिर मनी सिखा पदिंग समाधियानी। अरे मामा जे का कर दिया तुमने, पूरब की भाषा है। अरे मामा जे का कर दिया तुमने, मामा का भांजा मैकेनिकल इंजीनियर पढ़ के आया और मामा के घर में गया तो दरवाजे में घुसते ही कह रहा है, मामा जे का कर दिया तुमने, ये क्या कर दिया तुमने, क्या हुआ? भांजे से पूछा, अरे ये जो दरवाजो है, दरवाजो तो तुम्हारो गल गयो लकड़ी को, इतना बढ़िया दरवाजो नक्काशी को बनायो, इतनी बढ़िया चौखट बनाई, मोटी मोटी चौखट हो गई ना, इतनी बढ़िया या में सब कुछ तुमने लोहे की लगवाई, लकड़ियाँ गल गई, लोहे पर जंग आ गई, पर या की जो सांकल है वो तो चांदी की बनी हुई है, बहुत बढ़िया वो ना गली। अब दरवाजो तो इंगेसू भी खुल जाए, लकड़ियाँ तो गल गई, तो या सांकल को उतार लो। तो मामा कह रहा है, अरे भैया उतर जाएगी अपने आप, क्या करेंगे उतार के, अभी दरवाजे में थोड़ी बहुत जान है, हमारे पुरखों का प्रतीक है, चिन्ह है, शान है, दरवाजे पे लग रहे दो। अरे मामा तुम्हारे पुरखों की जो प्रतीक है, जो चिन्ह है, जो शान है, गल गई, लकड़िया में घुन लग गई, दीमक लग गई, लोहे में जंग लग गई, सांकली बची है बस, चांदी की है, बढ़िया है, पर मामा को दरवाजे से लगाव है, पुरखों का दरवाजा, मामा दरवाजा ना छोड़े और चोर घुसे दरवाजे में लकड़ी धर करके और सामान ले जा निकाल के, घर बर्बाद हो गया मामा का, पर मामा दरवाजा ना छोड़े और भांजा के जेका कर दिया तुमने, कह रहा सांकल अच्छी है तो कह रहा सांकल को अच्छे दरवाजे में लगा लो, तो वे लगा तो लें पर सांकल तोड़नी पड़ेगी, दुख होएगा, वेल्डिंग करके गर्म करनी पड़ेगी, दुख होएगा, हथौड़े मार के तोड़नी पड़ेगी, मन पे चोट लगेगी, मन से जुड़ी हुई है सांकल, कैसे करें, तो दरवाजा अपने आप ही खत्म हो जाएगा, तो सांकल अपने आप खत्म हो जाएगी, लोहा गल गल के निकल जाएगा, लकड़ियाँ सब दीमक खा गई, तो सांकल बच जाएगी, और 100-200 साल इंतजार कर लें। जुड़ने और जोड़ने के कार्यक्रम में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है वो लकड़िया की, लोहे की और सांकल की हो रही है। लोग क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? क्योंकि लोग जुड़े पड़े हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी शानदार दरवाजे से, किसी ना किसी चौखट से सांकल बंधी पड़ी है उनकी, अटैच हैं लोग, उनको प्यार हो गया अपने दरवाजे से तो छोड़ते नहीं। कार्यकर्ता समझदार चांदी की तरह शुद्ध है, पर संगठन जो दरवाजे के हैं उनसे चिपके हुए हैं। तो समर संगियों को क्या करना चाहिए, क्योंकि जुड़ने जोड़ने का कार्यक्रम उनको तो जोड़ सकते हो जो सांकल अलग है, जो दरवाजा अलग है, जो लकड़ी अलग है, पर जो सांकल किसी दरवाजे से लकड़ी से चिपकी पड़ी है उसे जब तक छुड़ाओगे नहीं, जब तक वो कहीं और जुड़ेगी नहीं, और इंतजार करोगे कि लोहा अपने आप गल जाए जंग खा के, लकड़ी अपने आप गल जाए दीमक खा के, तो समय निकल जाएगा, चोर सारा घर लेके निकल जाएंगे, आपकी सांकल भी बेकार हो जाएगी और वो सांकल किसी काम की रहेगी नहीं, बेशक चांदी की है। ये समस्या जब पहला धम्मिक संघ बुद्ध का बन रहा था, वैसे तो वो समर संघ के मेंबर थे सारे के सारे, पर धम्मिक संघ अलग बनाया, ये बात सब ध्यान रखें कि बुद्ध का जो धम्म है और उनका जो संघ है वो धम्मिक है, वो आम आदमी का संघ नहीं है, उसमें आम आदमी की एंट्री नहीं है, उनके भिक्खु संघ में, उनके भिक्खुणी संघ में वही जा सकता है जो उनके विनय माने, जो उनके सारे नियमों को माने और जो उनकी तरह कहे और जो धम्म को सीखे। साधारण आदमी धम्म सीखने जाएगा, भिक्खु बनेगा तो एंट्री है, साधारण आदमी की एंट्री नहीं है। पर हम जो समण संघ में जहाँ हैं वो बुद्ध से भी पहले का है, बहुत प्राचीन है, बुद्ध सिद्धार्थ गौतम जब बुद्ध नहीं थे उससे भी पहले का, तो वो संघ उस समय का साधारण लोगों का संघ है। तो जब बुद्ध ने धम्मिक संघ बनाया
तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे दरवाजे सांकल जुड़े पड़े हैं, 62 प्रकार के संगठन थे, 62 प्रकार के मत थे, 62 प्रकार के लोगों को अलग अलग धम्म सिखाया जाता था, उनका अपना मत, जो उनका मत होता था। तो बुद्ध ने क्या किया, इसकी थोड़ी वो कम कर दो, ट्रबल कम कर दो, सादा कर दो इसकी आवाज, बिल्कुल गूंजे ना ऐसी कर दो, सादा कर दो बिल्कुल। तो बुद्ध ने क्या किया, बुद्ध ने उन लोगों के पास गए, जैसे लोहार जाता है दरवाजे के पास, वहां जाके चोट की, गरम बेल्डिंग की जिससे कुंडी छूटे, क्या गरम बेल्डिंग की, क्या चोट की, क्या हथौड़े मारे, उनसे कहा आओ तर्क वितर्क करते हैं, आओ बातचीत करते हैं, आओ बैठो, मुझे बताओ कि तुम्हारा मत क्या है। अपने भिक्खु संघ के साथ जाते थे, और कैसे ये लोगों को सुख देगा, कैसे कल्याण करेगा, कैसे विकास करेगा और कैसे सुरक्षा देगा, बताओ मुझे। तो वहाँ बातचीत होती थी, बातचीत होने पे पता चलता था कि उनके मत के अनुसार कोई भी आदमी अर्हत नहीं हुआ, किसी को बोधि प्राप्त नहीं हुई। तो वो कहते थे कि देखो ये मैंने जो ढूंढा है, खोजा है, इसको चेक करो, इसको देखो, आओ पहले इस पर बातचीत करते हैं, और बातचीत में अच्छा लगे तो इसको आजमाओ, इसकी प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, इसका ध्यान करो, तो मोक्ष प्राप्त होगा, मोक्ष प्राप्त होगा। लोगों को हुआ, तो वो दरवाजों के पास खुद जाते थे, उन मतों के पास खुद जाते थे, और बेल्डिंग करते थे, तर्क वितर्क की गर्माहट करते थे, और वो वहाँ से कुंडी को छुड़ा लेते थे, अपने में ले आते थे, या कई बार दरवाजे उनके पास उठा के ले जाते थे लोग, संगठन के मत आ जाते थे, कहते हैं आपकी बात बड़ी अच्छी है, हमको बताओ कैसे मोक्ष प्राप्त होता है, कैसे सुख प्राप्त होता है, वो बताते थे। पर कई लोग जिद्दी थे, उन्होंने कहा ना दरवाजा लेके जाएं, ना सांकल लेके जाएं, और ना बुद्ध को बुलाएं, और ना आने दें, और अगर भंते आए तो झगड़ा करें, तो उनको छोड़ देते थे, उसका तो कोई इलाज नहीं। कोई आदमी अगर अपने घर को लुटवाने के लिए बैठा ही है और वो ना आए और ना आने दे, तो उसका इलाज नहीं किया जा सकता, यह असंभव है, इसलिए उसको छोड़ देते थे। संघ पुराने नियमों पर चलता है, पर नियम पुराने नहीं होते, जो प्राकृतिक होते हैं। आज भी वो नियम कामयाब हैं जो पहले थे, अगर इकट्ठे रहोगे तो ताकत आ जाएगी। ये नियम कभी फेल हो सकता है, बताओ कि हाँ ना तो करो, हाँ या ना, नहीं हो सकता। तो इस नियम को जानते हुए सारे महापुरुषों ने कहा एक साथ रहना है, इकट्ठे रहना है। तो इकट्ठे रहने की जो बाधा है, जो दिक्कत है, वो क्या है, किसी का कोरा दिमाग हो, किसी का कोरा दिमाग हो और उसके दिमाग में कोई, ये कैसे करता है बरवा, ऐसे रखना है, कोई अगर आवाज कम कर दो, आवाज कम कर दो उसकी, इसका इको खत्म कर दो, इको खत्म कर दो उसका, कम कर दो, टेबल कम कर दो, ठीक है। तो कहां बाधा आती है, अगर कोई नया बच्चा हो जिसके दिमाग में कोई विचार ना हो, किसी ने कोई विचार ना डाला हो, कोई कहीं अपनी सांकल को किसी दरवाजे पे लगा के ना बैठा हो, कोई किसी संगठन से अटैच ना हो, जुड़ा हुआ ना हो, कोई किसी संगठन का पदाधिकारी ना हो, कोई किसी की किताब पढ़ के उसके मत के बारे में जानकारी रखता हो, या मत के अनुसार, मत का अनुयायी या भक्त ना हो, उसको तो समझाना आसान है, क्योंकि वो तो कोरा है, जो आप समझाओगे वो समझ लेगा, उसके हित की बात होगी तो मान लेगा, उसके हित की बात नहीं होगी तो वो उसको छोड़ देगा। पर कोई व्यक्ति 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से, 50 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में कुंडी लगा के बैठा है दरवाजे पे, अपने संगठन को जी जान से प्यार करता है, अपने संगठन के लिए मरने और मिटने के लिए तैयार है, अपने संगठन के अलावा उसने कुछ देखा ही नहीं, अपने संगठन के अलावा कोई बात जानता ही नहीं, और अपने संगठन का रखवाला भी है, उसका पोषक भी है, उसको बढ़ाने वाला भी है, उसका पदाधिकारी भी है, और कहीं संस्थापक अध्यक्ष है, तो बात ही अलग है।
तो बहुत लगाव हो जाता है उसे। दरवाजा टूट जाए, लकड़ी गल जाए, लोहा गल जाए, वो मर जाए, घर लूट जाए, पर लगाव नहीं जाता। लगाव बहुत बुरा होता है। बात भी करने को तैयार होगा तो माइंड में ये रखेगा, दिमाग में ये रखेगा कि मेरा ही दरवाजा अच्छा है, मेरी ही सांकल अच्छी है, मैंने जो किया है 30-40 साल तक वही सबसे बढ़िया घर की रखवाली करेगा। पर समय के अनुसार सब पुराने पड़ते हैं, समय के अनुसार नई चीज़ें बढ़ जाती हैं। आपका दरवाज़ा अच्छा भी हो तो किसी ने पीछे से कूमल कर लिया, आपका दरवाज़ा रखा रह गया वो पीछे से कूमल करके ले गया। आपका दरवाज़ा अच्छा भी हो तो उसने घर में रिश्तेदार बना के चोर आ गए, आप ही के नाम से आप ही के रिश्तेदार बन के, और आगे संगठनों में बहुत होता है ऐसा, चोर होते हैं, नाम बदल के छदम आ जाते हैं, जिनके विरुद्ध हम संगठन बनाते हैं वही संगठन के मालिक बन जाते हैं। या घर में एक आध काम करने वाला भेज देते हैं, काम करने वाली भेज देते हैं, ड्राइवर होता है, कुछ होता है, उसे जानकारी ले लेते हैं क्या चल रहा है इनके घर में, ताकि फोड़ने में आसानी रहे, कब ये घर के बाहर जाते हैं सांकल लगा के और कब इनके घर में घुसें, ये बातें होती रहती हैं। इसलिए जो लोग और अधिकतर लोग हमारे जुड़े हुए हैं, जुड़ना अच्छी बात है क्योंकि महापुरुषों की बात का पालन करते हैं, पर आधी बात का पालन करते हैं। महापुरुषों ने कभी ये नहीं कहा कि आपको अलग अलग जुड़ना है। किसी भी महापुरुष को उठा लो, उसने कभी ये नहीं कहा कि आप मेरे नाम से जुड़ना, मेरे नाम से मत बनाना, मेरे नाम से गुट बनाना, मेरे नाम से इकट्ठे होना और किसी महापुरुष की बेइज्जती करना या उसके कार्यक्रम में मत जाना, या कोई महापुरुष छोटा है या कोई महापुरुष बड़ा है, या सारे महापुरुष अलग अलग हैं, या सब हमारे लोगों के कल्याण की बात नहीं करते, ये किसी महापुरुष ने नहीं कहा। पर हमने अपने अपने घरों में अलग अलग दरवाजे और ताले लगाए हुए हैं। इन दरवाजों को तालों को जब तक इन पे बात करके इनके तर्क और वितर्क से, और इनमें गैस की वेल्डिंग करके नहीं खोलोगे, इनमें हथौड़ी मार के नहीं खोलोगे, या इनके पेच ढीले नहीं करोगे, या इनके पेच नहीं लगाओगे, तब तक ये सांकल आपको कहीं और जगह जुड़ेगी नहीं, वो दरवाज़ा ख़त्म हो जाएगा। वैसे ही ये कार्यकर्ता और संगठन ख़त्म हो जाएंगे, खास तौर से उनके, पर वो जुड़ने को तैयार नहीं है। 2.5 साल के पूरे हमने एक्सपीरियंस में ये देखा, हर व्यक्ति अपने ताले चाबी को, अपने संगठन को, अपने घर को, अपने सांकल को, अपने दरवाजे को मजबूत किला बनाता है। इसमें कुछ शक नहीं है कि जब कार्यकर्ता काम करने आता है, कि संगठन से जुड़ता है, तो पूरे तन और मन और धन से जुड़ता है। पर महापुरुषों ने जो एक बात कही है उसको ध्यान में रखना चाहिए, खासतौर से डॉक्टर अम्बेडकर की बात और बुद्ध की बात। बुद्ध कहते हैं, मेरी बात को मत मानना, अगर कोई मेरे नाम से बोले, कहीं लिखी हो मेरे नाम से मत मानना, मैंने कहा है ऐसा कहीं बोले कोई नहीं मानना, कहीं कोई कहे कि तथागत बुद्ध ने ये बात तब बताई थी कोई यकीन नहीं करना, मेरा सगा रिश्तेदार भी, मेरा परिवार भी, जो कोई बचा है, कोई मोहल्ले का पड़ोस का कहे कि ये बात मेरी है नहीं मानना, तर्क करना, तर्क में बैठना, संघ के साथ तर्क करना, अकेले में मत करना। अकेले में तर्क करोगे तो जीत हार जाओगे, क्योंकि अकेला आदमी आपको रोटी खिलाएगा, पानी पिलाएगा, गिफ्ट देगा, आपकी चापलूसी करेगा, चमचागिरी करेगा, आप उसके प्रभाव में आ जाओगे, तर्क वर्क साइड में रखा रहेगा। वो कहावत है, रोटी मुंह खाए आंख ल जाए, जिसकी रोटी खाते हो उसके आगे आंख झुक जाती है, तो तर्क क्या करोगे। तो संघ में करना, संघ साथ रखना। बुद्ध ने कभी जीवन में अकेले तर्क नहीं किया, संघ रहता था साथ। तो तर्क करना, तर्क पे जो बात आपको ये लगे कि ये मेरे हित में है, तेरे हित में है, सबके हित में है, दुनिया के हित में है, प्रकृति के हित में है, मान लेना वो बात बुद्ध की है, वो बात प्रकृति की है, वो बात सनातन है, वो सनातनों है। ये तो बुद्ध ने कहा, कितने ज्ञानी आदमी थे, कितना भाप गए तभी के बातें कैसे तोड़ी मरोड़ी जाती हैं, उनके जीवन काल में तोड़ी मरोड़ी गई। डॉक्टर अम्बेडकर को ध्यान में रखना चाहिए, डॉक्टर अम्बेडकर क्या कहते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने हीरोशिप के लिए मना किया, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि सारी बातें जो पार्लियामेंट में बनी हैं वो तर्क और वितर्क से बनी हैं, पूरा संविधान तर्क वितर्क से बना है,
और संविधान के तर्क वितर्क बनने के साथ ही बात खत्म नहीं हुई। आज भी जो नियम बनते हैं वो तर्क वितर्क से बनते हैं। तो तर्क करिए, वितर्क करिए। और क्या कहते हैं, एक संत की और एक महापुरुष की या एक मजहब की या एक रिलीजन की और एक धर्म की स्टडी नहीं करनी है। सारे मजहबों का, रिलीजन का, धर्मों का, मतों का कंपैरेटिव यानी तुलनात्मक अध्ययन करना है, और उन्होंने किया भी तुलनात्मक अध्ययन। आप अगर एक मत, एक संत, एक विचारधारा, एक धर्म, एक मजहब, एक संगठन या एक कोई आपको इकट्ठा करने की बात अगर कोई बताता है तो एक ही तो बात आपने सुनी। अगर आपने एक बात सुनी है और वो आपने सच मान ली तो आप कैसे पता करोगे कि कोई बात उससे ज़्यादा खराब है या उससे ज़्यादा सही है। चलो आप नहीं करते तर्क वितर्क, आप अच्छे आदमी हो, आपने आंख बंद करके भरोसा कर लिया। कोई अपना ही आया, समणी आया, आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका मित्र हो सकता है, बहुत जोर जोर से भाषण देने वाला हो सकता है, बड़ा इमोशनल भाषण देने वाला हो सकता है, आंखों में आंसू करके भाषण देने वाला हो सकता है, माँ बाप की कसम खिलाने वाला हो सकता है, जाति बिरादरी की कसम खिलाने वाला हो सकता है, बहुत सारी बातें हैं जो आपको अनुयायी बना दें, भक्त बना दें और आपको इमोशनल करते हैं, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसके साथ लग गए, कोई दिक्कत नहीं है, जुड़ना तो था ही, कहीं ना कहीं जुड़ गए, कोई बुरा काम नहीं किया। पर ये तो चेक करना चाहिए कि जुड़ने के बाद में ये कब से जोड़ रहा है, कितने दिन से जोड़ रहा है और कितना लाभ हमें हुआ है, हमारे लोगों को कितना लाभ हुआ है, हम कहाँ तक पहुँचे हैं। ये तो चेक करने में कुछ नहीं जाता कि हमारे अधिकार जुड़ने से जा रहे हैं या आ रहे हैं। अगर जुड़े हैं तो लाभ के लिए जुड़े हैं, कोई हानि के लिए तो जुड़े नहीं हैं। तो इतना बुद्धि तो है कि भाई अधिकार जा रहे हैं या आ रहे हैं। तो चेक हो जाता है कि पहले बच्चों को जो नौकरी मिलती थी क्या अभी नौकरी मिल पा रही है या नहीं। पहले जो सुरक्षा थी, जो पुलिस वगैरह FIR तुरंत लिखती थी, मार पिटाई नहीं थी, एटोसिटी नहीं थी, वो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। पहले कहीं आने जाने में इज्जत मिलती थी, अभी वो इज्जत घट रही है या बढ़ रही है, ये चेक कर सकते हैं। पहले गरीबी कम थी, अब गरीबी ज़्यादा है, पहले अमीरी कम थी, अब अमीरी ज़्यादा है या कम है, ये चेक कर सकते हैं। घर मकान हमारे लोगों के लिए अभी बन रहे हैं या बिक रहे हैं, ये चेक कर सकते हैं। हम लोग अब ज़्यादा बीमार हो रहे हैं या पहले बीमार हो रहे हैं, अस्पताल हमको दवाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये तो चेक कर सकते हैं। 100 रुपये का घी पहले ज़्यादा आता था या अब कम आता है, अब ज़्यादा आता है, ये तो चेक कर सकते हैं। तो ये चेक कर सकते हैं, तरक्की तो देख सकते हैं। अगर चीज़ें बढ़ रही हैं, अगर साइकिल से, पैदल से साइकिल पे आ गए, साइकिल से स्कूटर से पे आ गए, स्कूटर से कार पे आ गए और कार से बड़ी कार पे आ गए, तो तरक्की है। और अगर पैदल आ गए और साइकिल भी बिक गई और स्कूटर भी बिक गया तो तरक्की नहीं है। तो जुड़े किस लिए थे? पैदल आने के लिए तो नहीं जुड़े। इससे बढ़िया तो बाबा साहब अंबेडकर थे, जब कम से कम नौकरी की गारंटी देके गए, नौकरी मिलती थी, वो गारंटी भी नहीं रखाई गई, गारंटी चली गई। तो इसमें सोचने में पैसा नहीं लगता। आप किसी भी साइकिल से जुड़िए, किसी भी दरवाजे से जुड़िए, जुड़ना तो पड़ेगा आपको, पर देख तो लीजिए कि ये जो साइकिल है, दरवाजा है, इसमें सुरक्षा, इसमें विकास, इसमें सुख है या नहीं है। एक सज्जन दिल्ली के अंदर मिले, कई बार कार्यक्रम में आए, किसी संगठन से जुड़े हुए, उनके एक साथी संघ में जुड़ गए, बहुत काम किया उन्होंने, फिर अचानक वो हटने लगे। तो समझ गया, समझ में आ जाता है, क्योंकि हम प्राकृतिक लोग हैं, घूमते फिरते रहते हैं, साधारण आदमी को समझ में आता। तो मैंने पूछा क्या हुआ, कह रहे नहीं मैं हूँ संघ के साथ ही, मुझे संघ की पॉलिसी बहुत अच्छी लगती हैं, पर वो क्या हुआ कि मैं जिस संगठन से जुड़ा हुआ था वहाँ हमारे एक साथी थे, उन साथी को कैंसर हो गया। उन्होंने मुझे बुलाया और मेरा हाथ पकड़ के बोले, भैया मैं तो मरने वाला हूँ पर तुम इस संगठन को मत छोड़ना। वो इमोशनल हो गए, कह रहे मैंने उनको कसम दी है, वचन दिया है। अब बीमार आदमी, कैंसर वाले, क्या बात करें उनसे और क्या उनसे कहें, इमोशनल हैं। तो मैंने कहा भाई देखो, समाज में इमोशंस नहीं चलते, सामाजिक कार्य के अंदर कस्मे वादे नहीं चलते, और कस्मे वादे अगर तुम्हें निभाने हैं तो डॉक्टर अंबेडकर से सीखो, 4 बच्चे चले गए। कस्मे वादे सीखने हैं तो बुद्ध से सीखो,
सात साल का बेटा भी भिक्कू बना दिया, पत्नी भी भिक्कू बना दी, सारे भाई, एक भाई को तो शादी से उठा के ले गए, उसकी शादी होने वाली थी, वो घर वहाँ भिक्कू संघ के साथ गए, उसको चीवर पकड़ा दिया, वो जो पात्र था, भिक्का पात्र था, पिंड पात्र बोलते हैं उसको, खाने का पात्र, भिक्का नहीं होती, पिंड होता है, तो खाने का बर्तन पकड़ा दिया उसको, और खाने का लेके और तेज कदमों से, क्योंकि बताते हैं बुद्ध की चाल बहुत गजब की थी और बड़ी लंबी थी, तेज तेज, उनके भाई भी बिल्कुल वैसे थे, बताते हैं ऐसा, तेज तेज चलने लगे, जहाँ वो रुके हुए थे, जो उनका बाग था बट वृक्ष वाला, अब वो बुद्ध आगे जा रहे हैं, भिक्खु संघ जा रहा है, पीछे पीछे भाई जा रहा है, और उनके पीछे जो भाई की होने वाली पत्नी है वो जा रही है, अब वो कह रही है प्रिय लौट के आना, जल्दी आना, उसको डर हो रहा है कि ये भिक्खु ना बन जाए, तो उसको कह रही है प्रिय लौट के आना, जल्दी आना, और बुद्ध तो स्पीड उनकी हाई और भाई पीछे पीछे, क्योंकि भाई भाई में आदेश में पालन, भाई बड़े थे वो, तो छोटा भाई था तो आदेश का पालन था, पात्र लेके चलना ही पड़ेगा जब तक भिक्कू ना लें, और जब वो अपने आम उसमें वन में पहुंच गए तो मुड़ के सीधे सवाल करते हैं, अनिरुद्ध भिक्कू बनोगे, दिखा लोगे, भाई का आदेश, और बुद्ध की तो आवाज़ ही बताते हैं, क्योंकि जो बुद्ध हो जाता है, बोधि हो जाता है, उसकी तो आवाज़ में आदेश बड़ा ज़बरदस्त होता है, मना नहीं कर पाए, भिक्कू बन गए, महानाम भी बन गए, अनिरुद्ध भी बन गए, देवदत्त भी बन गए, बाद में तो उनके परिवार के पिता को छोड़ के लगभग सब बने, माता भी बनी। तो अगर कसमे वादे सीखने तो वहां से सीखने चाहिए कि संघ के लिए बढ़ाने के लिए परिवार खत्म कर दिया, डॉक्टर अंबेडकर ने देश के लिए हमारे लिए बच्चे खत्म कर दिए, साहब काशीराम जी ने घर छोड़ दिया, और आप कसम दे के जा रहे हो कि इस संगठन से बंध के रहना है चाहे कुछ भी हो जाए। अरे भाई आप ये तो देख लो कि संगठन मॉर्टल है, संगठन आते जाते रहते हैं, भारत में 29 लाख संगठन हैं, जिस संगठन की आप कसम दे रहे हो वैसे तो यहाँ संगठन 1500 चल रहे हैं, जो सामाजिक संगठन है, हर गली में संगठन है, 29 लाख टोटल संगठन चल रहे हैं। आप ये तो देखो, आप मर रहे हो, आप ये एनालिसिस कर लेते कि भाई ये संगठन में आपने पूरा जीवन लगाया, आप मरने जा रहे हो तो ये संगठन कुछ दे के गया नहीं गया 70 साल में, इसकी उम्मीद है या नहीं, हर साल तो टूट जाता है, आपसे रुकता नहीं, पर लगाव है, जो दरवाज़ा है, जो लकड़ी का लोहे का जंग लगा दरवाज़ा है, इतने सालों से देख रहे हैं, हमने खूब उसकी सांकल बजाई है, लगाव हो गया, जब हम छोटे थे तो दरवाजे पे पैर रख के चढ़ के घूमा करते थे दरवाजे पे, तो लगाव हो गया, उस लगाव की वजह से घर लुट जाए, पर कसम दे के जा रहा है एक अच्छे कार्यकर्ता को। तो मैंने कहा भाई वो तो बीमार था, इमोशनल था, तू थोड़े बीमार था, तू तो अकल लगा लेता, समाज के लिए बंधन जो समाज को नुकसान दे वो नहीं चाहिए, बुद्ध की तरह अधिष्ठान चाहिए कि आज मोक्ष प्राप्त करके उठूंगा चाहे मर जाऊं। डॉक्टर अंबेडकर ने अधिष्ठान किया बड़ोदरा के अंदर कि चाहे जान चली जाए अब इस समाज का कल्याण करना है, पूरा जीवन लगाना है, ऐसा अधिष्ठान करो, साहब काशीराम जी की तरह अधिष्ठान करो, ये क्या कि आप किसी को खूंटे से बांध के निकल लिए, आप तो ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जिसमें कार्यकर्ताओं को कसमें दे रखी हैं, वादे दे रखे हैं कि इसी के साथ रहना है जीते जी, अरे कैसी कसम दे के जाते हो भाई, आपको ये कहना चाहिए कि जो समाज आगे बढ़े और जिस समाज में सारे लोग साथ हों, हमेशा संघ के साथ रहना है, लोगों के साथ रहना है और लोगों की राय के साथ रहना है, संघ के साथ रहना है, संगठन तो आते जाते रहते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है जो पहले से ही सांकल कहीं जंग में चिपकी पड़ी है, तर्क की जब तक आप उस पर आग नहीं लगाओगे दिखाओगे उसकी बेल्ट छूटने वाली नहीं है, और तर्क वितर्क के जो सिद्धांत हैं वो 3 जगह चलते हैं भारत में, एक चलता था बुद्ध के भिक्कू संघ में और समर संघ में, पहले बुद्ध ने जितने भी लोगों को जीता तर्क वितर्क से जीता, इसलिए भारत में आप पुरानी कहानी पढ़ते होगे उसमें साफ साफ बोलते हैं वहां पे तर्क शास्त्र हुआ, शास्त्र को बाद में शस्त्र बना दिया, शस्त्र ही हो गया एक तरह से तर्क का शस्त्र, और तर्क शास्त्र में भिक्कू के बहुत सारे जो बुद्ध के भिक्कू थे वो बहस किया करते थे और जीत के आते थे, क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से बहुत मजबूत थे, नियम सारे जानते थे, इसी तर्क शास्त्र में डॉक्टर अंबेडकर जीते, एक अकेले डॉक्टर अंबेडकर 3 साल तक संविधान बनाते रहे, तर्क देते रहे, प्रस्ताव रखते रहे, लड़ते रहे और जीतते रहे।
तो आपको संविधान मिला, वापस मिला। और इसी तर्कशास्त्र से समर संघ आगे बढ़ रहा है। आओ तर्क करते हैं, सबको बुलाते हैं, 3 महीने बुलाते हैं। तो जिनको तर्क नहीं करना वो फोन भी नहीं उठाते, आते भी नहीं। खुला ऐसा कौन सा कार्यक्रम है पूरे भारत में जो ये कहता हो कि आओ सवाल जवाब करते हैं? हर मीटिंग में बोलते हैं, हर संगति में बोलते हैं, आओ सवाल जवाब करते हैं। अरे अगर कुछ ना कुछ आप लेके आओगे तो नया लेके आओगे, अगर इस संघ के अंदर इसके नियमों में जान होगी, इस संघ में प्राकृतिक रूप से कुछ होगा तो ये अपने सवालों के जवाब देगा। और अगर इसके अंदर कोई सवालों के जवाब देने की क्षमता नहीं है और ये तर्क वितर्क में फेल हो जाता है तो इसका खत्म हो जाना बेहतर है। जो तर्क वितर्क में हार जाए उसको नहीं चलना चाहिए। तो लोग नहीं आते संगठनों के, क्योंकि हम पहला सवाल पूछते हैं उनसे, भाई कौन सा संगठन चलाते हो? तो वो कहता है कि जी हम तो बौद्ध धर्म का संगठन चलाते हैं। अच्छी बात है, हमारा मत है, श्रमणों का मत है, बुद्ध को महाश्रमण बोलते थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा है कि प्रबुद्ध भारत बनाना है, खुद उन्होंने 1956 के बाद में दीक्षा ली। तो भाई आप जो ये मत चलाते हो, कितने संगठन चल रहे हैं? तो कहता बहुत चल रहे हैं जी, बहुत चल रहे हैं। बाबा साहब ने जो संगठन बनाए वो कितने चल रहे हैं? कह रही उसके भी कई टुकड़े हो गए, वो भी कई चल रहे हैं। बाबा साहब के परिवार के लोग चलाते हैं। अच्छा भैया भिक्कू कितने चलाते हैं? कह रहे भिक्कू अलग अलग चलाते हैं, अलग अलग उनके मठ हैं, अलग अलग उनके काम हैं। अच्छी बात है। भैया भिक्कू संघ कितने हैं? कह रहे जी कई भिक्कू संघ हैं, बड़ा काम चला है, फोटो देखो, ये देखो, वो देखो। फिर हमसे पूछते हैं भैया तुम्हारे जो उपास्य हैं जिनकी तुम बात मानते हो वो कौन है? तो कहते हैं जी वो बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध हैं, तथागत बुद्ध हैं, बहुत नाम है, 1008 नाम है उनके। तो हम पूछते हैं भैया उन्होंने आपको 2 संघ बनाने के लिए कहा? ना जी ना, एक ही संघ के लिए, बल्कि संघ उनके भाई ने जब संघ तोड़ा तो उस संघ को वापस लाए, पर भाई को संघ में नहीं लिया, संघात में। अरे भाई जब तुम्हारे उपास्य, तुम्हारे संत जो बुद्ध पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, जिनको डॉक्टर अम्बेडकर मानते हैं, सारे श्रमण मानते हैं, महाश्रमण हैं, वो तो सबसे बड़े हैं, जब वो संघ को तोड़ने पे इतने नाराज हो जाते हैं कि अपने भाई को क्षमा नहीं करते संघात में, और कभी जिंदगी में संघ में लिया नहीं, भाई तुम कहे इतने सारे संघ बनाए घूम रहे हो, तुम इतने सारे संगठन बनाए क्यों घूम रहे हो, तुम इतने सारे भिक्खु संघ बना के क्यों घूम रहे हो, तुम अलग अलग धमकी संस्था बना के क्यों घूम रहे हो, जब तुम्हारे बुद्ध एक हैं, जब तुम्हारे उपास्य एक हैं, तो ऐसा क्यों? और मतों से पूछते हैं भैया तुम बताओ। कह रहे जी हम फलाने संत के उपास्य हैं। तो पूछते भैया ये संत के कितने कितने तुमने डेरे बना रखे, बाबा कितने आश्रम बना रखे? कह रहे जी बहुत हैं। तो एक साथ चलते अलग अलग हैं? कह रहे अलग अलग चलते हैं सब। तो तुम्हारे संत के अलग अलग थे क्या? नहीं, संत तो एक ही हैं, तो भाई डेरे अलग क्यों हैं, बाबा अलग क्यों हैं? पूछते हैं उनसे, जवाब नहीं देते। सरकारी कर्मचारियों से पूछते हैं, अरे भाई सरकारी कर्मचारियों जब तुम्हारा पेंशन एक है, तुम्हारा ग्रेड एक है, तुम्हारा रैंक एक है, क्या ये तो डिपार्टमेंटों में अलग अलग एसोसिएशन बना रखी हैं, तो तुम क्या लाभ लोगे अलग अलग बना के? मैनेजमेंट को तो पता है कि ये टुकड़ों में टूटे हुए हैं, कभी इस मैनेजमेंट कभी इस एसोसिएशन को आगे बढ़ा देगा, कभी इसको आगे बढ़ा देगा, एक दूसरे को लड़ा देगा, तुम्हें कुछ ना दे कुछ मिला आज तक? कहता जी मिला तो कुछ नहीं, तुम्हारा डिपार्टमेंट बचा क्या? कह रहा जी डिपार्टमेंट भी नहीं बचा। अरे जब तुम्हें मिला नहीं और तुम अपने डिपार्टमेंट को नहीं बचा पाए, तुम क्या बचाओगे समाज को? फिर तुम बाबा साहब का लाया हुआ वो अधिकार नहीं बचा पाए जो तुम्हें फोकट में मिल गया, बिना मेहनत के मिल गया, क्योंकि तुम्हें वैल्यू नहीं है। तो उनसे पूछते हैं तो बुरा लगता है उनको। राजनीतिक पार्टियों से पूछते हैं, भैया क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों के समर्थक संघ में जब नए आते हैं तो कहते हैं जी किस राजनीतिक पार्टी को संघ समर्थन करेगा? हम पूछते हैं भैया तुम बताओ किस राजनीतिक पार्टी को चाहते हो कि संघ समर्थन दे? थोड़े शर्माते हैं, झिझकते, फिर कहते हैं जी फलानी राजनीतिक पार्टी ठीक है, उसको समर्थन देना चाहिए। तो हम पूछते हैं भैया पूरे भारत में कितनी श्रमणों की पार्टियां हैं? कह रहे जी बहुत हैं, आंध्र प्रदेश में अलग श्रमणों की पार्टी है, तमिलनाडु में अलग श्रमणों की पार्टी है, और उत्तर प्रदेश में 2100 पार्टियां हैं श्रमणों की। तो भाई रे एक पार्टी को समर्थन दे के और बाकी पार्टी तेरी दोस्त हो जाएंगी क्या? कहे दुश्मन हो जाएंगी, वो तो दोस्त क्यों होंगी? तो भाई संघ में कहां लिखा हुआ है कि दुश्मनी पैदा करनी है?
संघ का कार्यक्रम है जुड़ना जोड़ना है, तो काहे दुश्मनी करा रहा है। संघ में साफ लिखा हुआ है राजनीतिक से हमारा कोई लेन देन नहीं है, राजनीति में संघ ही जा सकता है, संघ नहीं जा सकता। संघ कभी राजनीति में गए नहीं है, इसलिए नहीं जाते क्योंकि लोगों में झगड़ा नहीं कराना है। क्या बता दो राजनीतिक पार्टी जो समणों किए हैं क्या उनमें दोस्ती है? जरा जी काहे की दोस्ती है, दोस्ती होती तो एक होती, उनमें तो झगड़ा है। जब उन राजनीतिक पार्टियों के आका ऊपर से ये कहते हैं कि आज से हम दोस्त हैं तो तुम दोस्त हो जाते हो, जब उन राजनीतिक पार्टियों के आका समणों की पार्टी की बात कर रहा हूँ वो कहते हैं जी आज से हम अलग अलग हैं, तुम बिना सोचे समझे अलग हो जाते हो, तुम काहे अपना भाईचारा खराब कर रहे हो? भाई तुम भी समण हो, ये भी समण है, सारे समण हैं, तुम क्यों लड़ते हो आपस में? राजनीतिक बेनिफिट बताओ मेरे को कितने हुए, संघ को बताओ। तो कहता जी कोई पॉलिसी तो होगी संघ की। हाँ भैया पॉलिसी है संघ की, क्यों नहीं है? संघ की पॉलिसी यह है कि सारे राजनीतिक लोग इकट्ठे हो जाओ और एक पार्टी बना लो और फिर संघ से निवेदन करो जो आपको चाहिए। तो कहता जी फिर संघ से निवेदन करने की जरूरत क्या है? तो वही तो हम कह रहे हैं, संघ से निवेदन करने की जरूरत क्या है? सारी अगर एक पार्टी हो जाओगे तो फिर तो खुद संघ हो जाओगे, फिर तुम्हें कौन हराएगा? फिर तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, फिर तो जीतो हमेशा के लिए, अजय हो जाओ। पर अजय होने का फार्मूला है और अपनाते नहीं, खुद अपने भाइयों से लड़ते हो। ये बातें हम उनको पूछते हैं जो हमारे लड़के दलबल में बटे हुए हैं, सेना आर्मी में बटे हुए हैं, उनको हम पूछते हैं, अरे भैया लड़को ये भारत के समणों के जितने लड़के हैं क्या इनके टुकड़े कर दिए तुमने? तेरा टाइगर फोर्स, तेरा चीता फोर्स, तेरा फलाना सेना, तेरा फलाना सिपाही, तेरा फलाना चौकीदार, तुम आपस में ही लड़ रहे हो लड़के लड़के होके, तुम किसके विरुद्ध लड़ रहे हो? तुम तो आपस में जूतम पत्रम कर रहे हो, तुम्हारे खुद के संगठन टूट टूट जाते हैं। क्यों टूटते हैं बताओ? ये सवाल जब संघ ओपन मन से पूछता है, अब आप सब बुद्धिजीवी बैठे हुए हो, आप बताओ कोई जवाब है उनके पास? जवाब उनके पास है नहीं तो दें क्या, तो बात करने आए क्यों? पर हम समझते हैं कि वो बात करने नहीं आते पर हैं तो समण, तो उनको कहते हैं भाई जुड़ जाओ, इन सबको एक कर लो, सब एक साथ आ जाओ अगर जीतना है। यही महापुरुषों ने कहा है, जिनके तुम पोस्टर लगाते हो, जिनके तुम नाम लिखते हो, यही तुम्हारे संगठन में भी होता है कि जुड़ेंगे एक साथ रहेंगे तो जीतेंगे। तो इस लालच को छोड़ दो कि तुम जोड़ोगे, तुम किसी से जोड़ो वो तुमसे जुड़े, ऐसे करके इसको बहुत तेजी से जोड़ो और इसको सिस्टम को एक बनाओ। तो बात करने नहीं आते, जिक्र नहीं करते, पर समर संघ में बहुत लोग आ रहे हैं जो इन बातों को समझ गए, उनको समझ में आ गया भाई ये सांकल ना छोड़े, अपनी सांकल अपने आप उखाड़ लो, इसका इंतजार मत करो, अपनी सांकल लो और सारी सांकल इकट्ठी कर लो और अपना बड़ा दरवाजा बनाओ और उस पर सांकल लगा दो अपना। ये भी आ जाएंगे बाद में, जब इनके दरवाजे टूटे फटे घूमते रहेंगे तो ये भी कहाँ जाएंगे, हैं तो सारे समण। बचने का यही रास्ता है कि सारे एक मजबूत दरवाजा बनाएं और सब अपनी सांकल उस पर लगाएं, फिर दुनिया का कोई भी डायनासोर आ जाए, कोई भी बम आ जाए, वो इतना बड़ा दरवाजा होगा, इतना बड़ी सांकल होंगी कि वो टूटने वाला नहीं है। जिसकी संख्या भारी होती है उसे कोई नहीं हटा सकता, ये दुनिया का नियम है। इसीलिए ये काम हमें करना है, पर इस काम में थोड़ी दिक्कत आती है, पर लगे रहना है। एक दिक्कत बताता हूँ आपको, उधर यरूशलम के अंदर यहूदियों के कुछ नियम थे जो अच्छे नहीं थे, वो शराब पीते थे, व्यभिचार करते थे, शादी नहीं करते थे, ब्याज खाते थे, लड़ते थे, जानवरों को औरतों को उठा के ले जाते थे और लूटपाट करते थे। तो उनके विरुद्ध में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको मोहम्मद साहब बोलते हैं, बड़े नेक इंसान थे, बहुत ईमानदार थे, उनकी ईमानदारी का सब लोग यकीन करते थे, जैसे बुद्ध के ऊपर सारे लोग यकीन करते थे वैसे ही उनकी छवि थी वहाँ पर, कि उनको आमीन बोला करते थे। यानी कि उनके पास जब लोग यात्रा करने जाते थे तो अपने कीमती सामान उनके घर में रखते थे, तो वो कहते थे रख दो भाई, तो जहाँ उधर रख दिया रख दिया। जब वापस लेने आते थे तो उनसे कहते थे कि वो सामान रखे गए थे वो कहाँ रखा है? कह रहे भाई जहाँ रखा है वहीं वहीं ढूंढ लो, वहीं मिलेगा, वो छूते भी नहीं थे। बहुत लोगों को बहुत भरोसा, इस भरोसे, इस ईमानदारी के साथ उनकी ख्याति बढ़ती गई, लोग उनकी बात मानते गए। तो उन्होंने लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, तो लोगों को इकट्ठा करने के लिए जगह चाहिए, तो उन्होंने मस्जिद बनानी शुरू की, इकट्ठा होने की जगह, उसको जो मस्जिद है इकट्ठा होने की जगह है बेसिकली वो। फिर उसके कुछ नियम बना दिए ताकि शरीर हिल सके, कुछ एक्सरसाइज हो सके, वो नियम बना दिए जिसको नमाज बोला करते हैं।
फिर वहाँ नए नए नियम सब मिलकर तय होने लगे, बातचीत आगे बढ़ने लगी। तो एक अब यहूदियों से अलग एक परंपरा बन रही है, यहूदियों की परंपरा को, वो भी लोग यहूदी थे पहले, मोहम्मद साहब भी यहूदी थे, तो यहूदियों से अलग हटके परंपरा बन रही है जो यहूदियों के विरोध में है। तो जिनको फ्री का खाने की आदत पड़ गई, जिनको लूटपाट करने की आदत पड़ गई, जिनको चंदा खाने की आदत पड़ गई, जिनको मंचमाला माइक की आदत पड़ गई, जिनको नेतागिरी की आदत पड़ गई, जिनकी चलती थी, वो अपने अधिकार क्यों छोड़ें और क्यों छोड़ने चाहिए? तो वो यहूदी सारे के सारे उनके दुश्मन हो गए जो नेता थे, पब्लिक नहीं हुई, जो नेता थे वो भड़काने लगे, ये जो मूसा है उनके विरुद्ध बोलता है, ये ठीक नहीं है, ये कौम का गद्दार है, फलानी बात ढानी बात, तो भड़काते थे। तो कुछ सीधे साधे लोग भड़क जाते थे। तो जब वो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते थे तो एक बूढ़ी औरत जो यहूदी थी वो रोज उनके ऊपर कूड़ा डालती थी, जाते हुए रोज कूड़ा डालती थी। तो वो कूड़े को झाड़ते और चले जाते मुस्कुरा के। एक दिन वो जा रहे थे, जाके उसकी औरत के आगे से निकले, देखा कूड़ा नहीं डाला, तो उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ, बोले कूड़ा नहीं डाला। तो वो उसके घर चढ़ गए, बोले माई क्या हुआ आज कूड़ा नहीं डाला? तो देखा वो बीमार थी, तो उसकी उन्होंने दवा वगैरह की। जब उसकी दवा की, उसके बाद से वो फिर मोहम्मद साहब की मुरीद हो गई। भाई तो बहुत बड़ी आदमी है, लोगों ने हमको झूठ बोला, लोगों ने हमसे कहा कि ये तो बड़ा बेकार आदमी है, पर ये तो इतना अच्छा आदमी है कि मैं इसको रोज कूड़ा डालती हूं, ये फिर भी आ गया। तो ये जो कहानी है, ये कहानी ये बताती है कि समण संघ 2600 साल बाद दोबारा से आ रहा है। 2600 तो नहीं है, 506 साल है, कमजोर हुए 5-6 साल हुए हैं, दोबारा से वापस आ रहा है और मजबूती के साथ आ रहा है, पुराने नियमों के साथ आ रहा है। तो वो कूड़ा भी डालेंगे, वो रोकेंगे भी, वो लोगों को भड़काएंगे भी। क्या भड़काएंगे? आरएसएस का हाथ है। क्या कहेंगे? बीजेपी पैसा देती है। क्या कहेंगे? ये भी राजनीति में जाएंगे। क्या कहेंगे? इस फलानी पार्टी को खत्म करने आए हैं। क्या कहेंगे? बुद्ध धर्म का बेड़ा गर्क करने आए हैं। क्या कहेंगे? कोई चाल है, ऐसा कहेंगे। कहें, कहना चाहिए, आपके बारे में कह रहे हैं, इसका मतलब बात पहुंच रही है। चलो जिक्र तो हुआ, तर्क वितर्क में ऐसे ही होता है, आदमी एक साथ थोड़ी मानता है, सबसे पहले तो विरोध करता है, अच्छा विरोध करता है, बढ़िया है। तो आप क्या कहोगे? ऐही पस्सी को, ये बुद्ध के साथ भी हुआ था, बुद्ध को तो मारने पीटने आते थे लोग, कोई पत्थर फेंकता था, कोई गाली बकता था, तो बुद्ध कहते थे ऐही पस्सी को, आओ और आके देखो मैं क्या सिखाता हूं। जब तक आओगे नहीं, अंदर आके देखोगे नहीं, दूर दूर से तो कुछ भी बना लो, वो आपके मन की भावना है, जो चाहे वो बना लो। तो संघ निमंत्रण देता है, आने का कोई पैसा नहीं, जाने का कोई पैसा नहीं, 100 बार आइए 100 बार जाइए, जिसको जितना काम करना है करिए, काम करिए मत करिए, खुल के प्रश्न पूछिए, कैसे चलता है ये संगति, कैसे हुई, पैसे कहाँ से आए, इसका मैनेजमेंट कैसे चलता है, कमेटियाँ कैसे काम करती हैं, इसमें जो लोग आते हैं स्पोक होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कैसे काम करते हैं, कितना काम करते हैं, कोई संघात करता है तो उसका क्या इलाज करते हैं, नियम कैसे बनते हैं, नियमों की पिटारी कैसे बन रही है, बातें क्या क्या होती हैं, इस मत के बारे में क्या बात है, उस मत के बारे में क्या बात है, खुल के सवाल कीजिए। सवाल आते हैं, नियम बन जाते हैं, आप ही लोग सवाल बताते हैं, हाउस उनके नियम बना देता है, कोई पहले से नियम बना हुआ नहीं है, समस्या आती है, समाधान आता है, नियम बन जाता है। ऐसे ही पहले हुआ होता था, ऐसे ही अब होता है। तो आगे देखना चाहिए, आपको कहना चाहिए, जितने इल्जाम आपने लगाए वो सही हो सकते हैं, पर चेक तो कर लो, खाली मनगढ़ंत, किसी ने कह दिया, अरे इस चक्कर में तो फंसे फंसे सारे अधिकार चले गए कि किसी ने कह दिया और आपने मान लिया, किसी ने कह दिया कि आपको इतना पैसा मिलेगा, किसी ने कह दिया आपको इतनी सुविधा मिलेगी, किसी ने कह दिया कि आपका उद्धार होने वाला, पर हुआ तो नहीं। तो किसी के कहने से मत मानो, खुद आके देखो, तर्क करो, वितर्क करो, अच्छा लगे काम करो, अच्छा ना लगे तो बताओ कि इसमें क्या खराबी है, और हाउस में आओ, 1 तारीख को हाउस लगता है, देखो नियम कैसे बनते हैं, आपके पास अधिकार नहीं है नियम बनाने का तो ले लीजिए, इसमें शामिल हो जाइए, और अच्छा ना लगे तो चले जाइए, पर बता के जाइए क्या बात ही क्या नहीं। अगर आपकी मनसा मंच माला पद पोस्ट नेता
कुछ ऐसा बनने की है जो इन नियमों में नहीं आती है, तो आपको संघ अच्छा नहीं लगेगा कभी भी। पर अगर आप इनसे परे हैं और इन पे जीत चुके हैं, इनको आप हरा चुके हैं, इन बीमारियों को, तो फिर संघ से बेहतर आपको कुछ लगेगा नहीं। ये जितने भी संघ ही आए हैं, ये उनका सबका एक्सपीरियंस है। ये जो आसन है इसको संघ आसन बोलते हैं। पहले पुराने समय में जब संघ बैठाता था, ऐसे नीचे बैठता था, तो अपनी बात कहने के लिए कोई ऊपर चबूतरे वगैरह पे या पेड़ पे या पेड़ के किसी तने पे ऊंची जगह, ताकि आंख में लाके बात हो सके। ये संघ का आसन है। जब तक संघ रहता है सामने, ये आसन रहता है, उसके बाद ये कुर्सी बन जाती है। जो भी व्यक्ति इस पे बोलेगा, चाहे महिला हो चाहे इसमें नर हो, वो इस पे बोलता है, इसकी इज्जत होती है जब तक ये संघ बैठा है। संघ के बाद ये साधारण कुर्सी हो जाती है। ये सत्थक दंड है। सत्थक दंड वो दंड है जो हमारे हर व्यक्ति के हाथ में होता था, जिसमें हम अपना अंगोछा बांधते थे, 6 रोटी बांधते थे प्याज के साथ, अचार के साथ, गुड़ के साथ, और अपना अपने काम पर जाते थे। 2 रोटी उसके लिए, जो कोई और साथी मिल जाए भूखा कोई सफर में, और 4 रोटी अपने लिए। 2 रोटी हमेशा हम ज़्यादा लेकर थे। हमारे बुजुर्गों की परंपरा रही है अभी तक भी। ये सत्थक दंड हमारे हर आदमी के हाथ में होता था। पर कमाल की बात यह है कि बुद्ध ने 11 प्रकार का सत्थक दंड अपने भिक्षुओं को भी दिया है। ये किताब में लिखा हुआ है, विनय पिटक में। इसलिए सत्थक दंड की, श्रमणों की पुरानी परंपरा की वापसी के लिए सत्थक दंड आप 4 फुट का, 5 फुट का, 6 फुट का रखना चाहिए। ये हमारी शान है, सुरक्षा है, इससे हमारी पहचान बनती है। लोगों ने अपना लिया इसको, पर हमने छोड़ दिया। हमें अपनाना चाहिए। आज जो साधु संत जितने भी दंड लेके घूमते हैं, उसको सत्थक दंड बोलते हैं, उनकी परंपरा में नहीं है, बौद्ध की परंपरा में, बुद्ध की परंपरा में, श्रमणों की परंपरा में है। लेके रखना चाहिए। पहले जानवर वगैरह होते थे, पर बुढ़ापे की भी सहारा होता है ये, और अपने संघ की पहचान भी है। ये परिवर्त है, ये परिवर्त बोलते हैं। इसका एक नाम और भी है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। ये परिवर्त इसलिए होता है कि संघ आसन पे अगर कोई आदमी बैठे, तो हो सकता है बहुत पैसा उसके पास हो, हो सकता है बहुत कम पैसा उसके पास हो, तो बराबर रहना चाहिए। यहाँ बहुत पैसा है, सोने की चैन पहन के आया है, हीरे की अंगूठी पहन के आया है, सूट पहन के आया, टाई पहन के आया, तो अच्छी बात है। संघ में ऐसे ताकतवर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, संघ के लिए मजबूती है। पर किसी का मन खराब ना हो, और एक रूपता समानता जो श्रमणों की, वो खराब ना हो, इसलिए पहना देते हैं। कोई गरीब है जिसके कपड़े हो सकता है कि धुले ना हों, कहीं से फट गए हों, बदले ना हों, तो वो ढक जाता है, उसका एक रूपता एक समानता रहती है, तो इसलिए ये परिवर्त है। और भी समानता की बहुत सारी बातें हैं, नियम पास होते रहते हैं, ये चीज़ें चलती रहती हैं। मेरी बात लगभग ख़त्म हो गई है। यहाँ मेरी बात के बाद में संघ को नमामी होगी, उसके बाद में एक फ़ोटो खींचेगा, खाना खाएंगे, उससे पहले सवाल जवाब होंगे। और मैं चाहूँगा, क्योंकि बिजनौर के जितने स्पोक हैं वो एक बार इधर आ जाएं, बिजनौर के स्पोक यहाँ आ जाएं। स्टैंडिंग कमेटी में एक नियम पास हुआ कि जहाँ भी संगति लगेगी, वहाँ के जो स्पोक हैं वो अपना नाम बताएंगे, परिचय बताएंगे, स्पोक परिचय होगा। और आपके बिजनौर में ये लोग आपके सेवक हैं, पूरे बिजनौर के सेवक हैं, चाहे कोई संघ में है या नहीं है, पर श्रमण होना चाहिए, ये उसके सेवक हैं। उपट्ठाक होते हैं, उपट्ठाक का मतलब सेवक है पाली में। जैसे बुद्ध के सेवक आनंद थे, वैसे ही संघ के सेवक हर जगह निश्चित हैं। इनकी इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। मैं भी खड़ा हो जाता हूँ। मैं बिजनौर का नहीं हूँ, पर आप मुझे मान लेना कि आज मैं बिजनौर का हूँ टेम्परेरी। ये आपके सेवक हैं, ये सब अपना नाम बताएंगे, परिचय बताएंगे, पर उम्मीद ये करते हैं कि इधर जो लोग बैठे हुए हैं वो भी सब स्पोक बन जाएं, और आज ही सेवक बन जाएं, क्योंकि सेवा करना अच्छा होता है। आके देखें और अपना नाम लिखाएं, यहाँ एक एक करके परिचय देंगे। संघ में ताली बजाने का नियम, सत साहेब कहने का नियम, सोहन कहने का नियम, जय गुरुजी कहने का नियम, आप जिस तरह भी, जिस भी तरह से धन्यवाद करना चाहें वो कर सकते हैं, वो नियम पास है। तो एक एक करके नाम बताएंगे, और मैं चाहूंगा कि हर नाम पे आप लोग ताली बजा के इनका स्वागत करें। मैं आसाराम से आवाज विकास में रहता हूँ, और मैं कब से संघ में है, संघ में कब से काम कर रहा हूँ। संघ में मैं 1.5 साल हो गया। मेरा नाम चंद्रपाल सिंह है, मैं अपर जिला अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हूँ, रहता हूँ, 2 साल से संघ से जुड़ा। मैं समन गजेंद्र सिंह, करीब 2 साल से संघ से जुड़ा हूँ। मैं विद्युत विभाग से रिटायर अधिकारी हूँ, नई बस्ती बिजनौर में निवास करता हूँ। मैं हरिराज सिंह केसरी, जनपद बिजनौर के आवास विकास में निवास करता हूँ,
समाज कल्याण में सहायक प्रबंधक सेवानिवृत्त लगभग 24 माह मुझे संघ काम करते हो गया। जय भीम जय अशोक। मेरा नाम मदन पाल सिंह है, मैं कालाघाट से बिलोंग करता हूँ। थैंक यू। मैं अमर सिंह, थोड़ा आगे हो जाओ, यहाँ आ जाओ, आगे इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ। मेरा नाम अमर सिंह है, मैं रहने वाला नांगल जट से रहने वाला हूँ, पिजौर में पड़ता है भालू शाह के। इसको तेवर आगे रख देना और मैं इसको इधर वहाँ रख देना, आ जाओ आगे। मेरा नाम जोगेंद्र भारती है और मैं पंचायत राज विभाग में सर्विस करता हूँ और मोहल्ला अम्बेडकर नगर कैतपुर जिला बिजनौर से, और मुझे 1.5 वर्ष हो चुका है संघ से। सभी को पुनः संगम नमामि। मेरा नाम कुड़वा सिंह है, मैं जूनियर स्कूल पार्टा में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ वर्तमान में, और मुझे लगभग 2 साल समर संघ से जुड़े हुए हो गए। मेरा नाम किशन सिंह समन है और मैं कलेक्ट्रेट में प्रशासनिक अधिकारी पद से रिटायर सेवानिवृत्त हूँ और मैं ग्राम बगली रामपुर बगली में रहता हूँ और संघ का एक सदस्य है, सेवक। मैं समन दिलावर सिंह, आर्मी से रिटायर्ड हूँ, 18 साल 9 महीने 22 दिन मैंने सर्विस की आर्मी में। मैं समन दिलावर सिंह, धामपुर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से हूँ, 18 साल 9 महीने 22 दिन देना मैंने आर्मी को सेवा दी है और मैं समर से 1 साल से वाकिफ हूँ। मैं नकुल कुमार, लगभग 25 माह से समर संघ से जुड़ा हूँ। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, थोड़ा इधर इधर सिट हो जाओ। आप बनोगे? यहाँ आ जाओ। संघ आप बनोगे इसको कभी? अपने शब्दों को संघ के लिए बोलना चाहता हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि मैं अपने शब्दों को रखना चाहता हूँ, मुझे अवसर नहीं दिया गया, फिर भी वो अवसर आप बाद में ले लेना। अभी आप अभी अभी परिचय है, आपको मिलेगा, मौका मिलेगा। मैं गुलशरण सिंह, मोहल्ला शांति नगर बिजनौर से हूँ और लोक निर्माण विभाग बिजनौर से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद से रिटायर्ड हूँ। संघ में आओ, संघ में आओ। मैं छोटी सिंह, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम से स्टेशन प्रभारी से सेवानिवृत्त हूँ। 2008 में मैं सेवानिवृत्त हो गया था। जो भी आज समन संघ के द्वारा सभी बातों से अवगत हुए, सब दिखाई देता लोगों को ना। मैं श्रवण योगेश भास्कर, जिला बिजनौर के आवास विकास में रहता हूँ और पेंडिंग जॉब में कर रहा हूँ और पिछले 15 महीने से संगठन में जुड़ा हूँ। समझ सकते। हेलो, मेरा नाम चंद्रपाल सिंह है और मैं मोहल्ला दक्ष नगर में रहता हूँ और संघ से मैं लगभग 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम प्रीतम सिंह है, मैं यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर भरेरा गांव में रहता हूँ और रेलवे से रिटायर्ड हूँ, मैं भी संघ में हूँ। और साहब जरा सेंटर में। सभी महासमूह को नमन करते हुए सभी को सम्मान नमामि। मैं डॉक्टर ओपी सिंह, डेंटल सर्जन, जिला चिकित्सालय बिजनौर में कार्यरत हूँ, रहने वाला हापुर का हूँ। सभी को सुनिए। सर कब से काम कर रहे हैं? मैं लगभग 2.5 से 2.5 साल से, जब से संघ बनाया तभी से इसमें काम कर रहा हूँ।
साहब, ये संघ तो बहुत पुराना है। संगम नवामी, मैं उर्वेश कुमार, लोकल बिजनौर से ही, मैं 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। संगम नवामी, मैं यश कुमार, कालागढ़ से, नीलम बिजोन, और मैं इरिगेशन में कार्यरत हूँ, कालागढ़। सभी को संगम नवामी, मैं समण वेद प्रकाश, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिजनौर से, और पिछले 23 महीने से मैं लगातार इस संघ से जुड़ा हुआ हूँ। सभी को नमो बधाई, जय जय। और अगली बार से महिला पहले इंट्रोड्यूस होंगी। संगम नमामि, मैं पूनम कुमारी, ग्राम नांगलगढ़ से हूँ और प्राइमरी स्कूल में शिक्षा के पद पर कार्यरत हूँ, और अभी 1 साल से मैं जुड़ी हुई हूँ। सब इधर आ जाइए, इधर हो जाइए सब। संगम नमामि, मैं ज्योति, बिहारी नेम तो मैं टैगेज बिजनौर में निवासी हूँ और मैं अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। सभी को नमो बुद्धाय, जय जय। संगम नमामि, मैं सुमित्रा नंदिनी, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज झाजू में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ और मैं समर संघ से लगभग 2 वर्षों से जुड़ी हूँ। मैं 2021 मेरा नाम निक्की रानी है, मैं 2 साल से इसमें जुड़ी हुई हूँ, मुझे जुड़ के भी बहुत अच्छा लगा। मेरा गाँव का नाम है फरीदपुर बोगी, यहाँ से बिजनौर के पास में। जय भीम, नमो बुद्धाय, मैं श्रीमती कविता सिंह और मैं समर्थ संघ से कम से कम 1.5 साल से जुड़ी हूँ, बीच बीच में नहीं जुड़ पाती हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। उसके बाद भी मैंने नौकरी छोड़ना उचित समझा, ताकि अपने घर में रह के अपने बच्चों को बाबा साहब जैसा ही बना सकूं। अगर सर्विस करूं तो टाइम नहीं दे पाऊंगा, और अब बच्चे बड़े हो गए तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं कुछ ना कुछ तो करूँ, तो बिजनौर में एक मात्र मॉल है ऐसा बिजनौर, मैं उसमें एक रेस्टोरेंट चलाती हूँ। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम नमामि, मेरा नाम संजय राजू है, मैं बिजनौर से हाउस वाइफ और 2 साल से समर्थन से जुड़ी हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, मैं रीता मुकरपुरी, ग्राम मुकरपुरी से, जिला बिजनौर, मैं इस संघ से जुड़ी हुई हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। सबका हो गया, मैं कहना चाह रही थी कि मेरे हस्बैंड जो बाहर खाने पे खाने की देख रेख पे हैं, वो कह रहे थे कि मेरे बारे में आप मेरी वाइफ हैं, ये गर्व से कहना, वो गाजियाबाद रहते हैं और मैं घर में आके लिए अपना खर्च ऐसे देखती हूँ, तो उनको भी मेरे ऊपर जितना गर्व होता है मैं ही मान सकती हूँ कि ऐसे हस्बैंड, ऐसा परिवार जो मेरे सास ससुर ने मुझे आगे बढ़ने के लिए, मैं शादी कर गई तो बीए पास थी, उन्होंने मुझे एमए कराया, बीएड कराया, पीजीटी पढ़ाया लिखाया को, अगर समाज को बदलना है तो पहले घर से शुरू कीजिए।